गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से सेडिमेंटेशन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने सेडिमेंटेशन टाइप से रिलेटेड एक मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि हमारा रेक्टेंगुलर टाइप का सेडिमेंटेशन टाइप था। आज हम सेडिमेंटेशन टाइप से रिलेटेड एक सर्कुलर टाइप के मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारा टैंक जो है सर्कुलर शेप में होगा तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमारा टैंक होगा उसकी डायज होगी वो हमें कैलकुलेट करनी रहेगी, उसकी डायमीटर हमें कैलकुलेट करनी रहेगी, ठीक। और हमें क्या कैलकुलेट करना रहेगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो जब सर्कुलर टैंक के न्यूमेरिकल के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो उसमें केवल हमें डायमीटर और क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। इसके पहले जब हमने क्वेश्चन बताया था उसमें लेंथ कैलकुलेट किया था हमने, विड्थ कैलकुलेट किया था और उसकी डेप्थ को कैलकुलेट किया था, एरिया कैलकुलेट किया, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अगर हम सर्कुलर टैंक डिजाइन करेंगे तो उसमें डायमीटर और क्वांटिटी ऑफ वाटर हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ए सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक, सर्कुलर सेडिमेंटेशन फिटेड विद स्टैंडर्ड, फिटेड विद स्टैंडर्ड मैकेनिकल स्लज रिमूवल, मैकेनिकल स्लज रिमूवल equipments is to handle, equipment is to handle 3.5 million liter, million liter per day of raw water. If the detention time of the tank, if the detention time of the tank is 5 hours, and the depth of the tank is 2 meters. The depth of the tank and is 3 meter. What should be the diameter of the tank? What should be the diameter of the tank? It means, इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक है जिससे हमें पर डे जो है 3.5 मिलियन लीटर रॉ वाटर क्या करना है, ट्रीट करना है। और ये जो 3.5 मिलियन लीटर रॉ वाटर जो है वो कितने ड्यूरेशन में हमें ट्रीट करना है, 5 आवर्स में। और जो हमारी टैंक की डेप्थ होगी वो हमारी 3 मीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डायमीटर होगा टैंक का वो कितना होना चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन डेटा हमारा क्या है। तो हमारा जो गिवन डेटा है वो क्या है, सबसे पहले जो गिवन है वो हमारी है क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ
water. What is that? 2.5 million liter water. Then उसके बाद क्या बोलेंगे डिटेंशन टाइम क्या है डिटेंशन टाइम या डिटेंशन पीरियड इक्वल्स टू 5 hours डेप्थ ऑफ टैंक हमारा दे दिया है डेप्थ ऑफ टैंक इक्वल्स टू 3 meters ये हमारा तीनों डेटा जितना कैलकुलेट हमें क्या करना है डायमीटर को हमें ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ हाउ वाटर जो हमारा गिवन है पर डे का कितना है 3.5 मिलियन लीटर पर डे मिलियन लीटर को हम लीटर में लिखेंगे क्या हो जाएगा 3.5 × 10⁶ लीटर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वांटिटी ऑफ रॉ वाटर raw water to be treated per day to be treated per day 3.5 million liter per day इसको जब हम लीटर में लिखेंगे क्या हो जाएगा 3.5 × 10⁶ लीटर अब ये जो क्वांटिटी है ये पर डे का और जो हमारा डिटेंशन टाइम है यानी कि जितने टाइम में हमें वाटर को ट्रीट करना है उतने टाइम के बाद हमारे हमें क्या वाटर का क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ रॉ वाटर क्वांटिटी ऑफ रॉ वाटर टू बी ट्रीटेड टू बी ट्रीटेड during the detention period of 5 hours detention period of 5 hours for 5 hours ke baad mein quantity calculate kar liye agar isko solve kar liye to hum dekhte hain ki jo per day ka hamara quantity of raw water kitna hai 3.5 × 10⁶ लीटर है अब ये जो क्वांटिटी है ये हमारा पर डे का यानी कि 24 आवर्स का है अगर इस 24 आवर्स को हमें पर आवर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना हो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बाद जो हमें डेटा मिलेगा या जो हमारा आंसर आएगा वो पर आवर का हो जाएगा और पर आवर का आने के बाद हम क्या करेंगे जो डिटेंशन टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटेंशन टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगी तो डिटेंशन टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 5 hours है 5 hours अब यहाँ पर ये हमारा क्या आवर्स में है ये आवर्स आवर्स का हो जाएगा कट जाएगा बचे क्या क्या हमारा वैल्यू लीटर में बचेगा क्या तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारी वैल्यू आएगी 728 × 10⁶ लीटर अब इसको जब हम क्यूबिक लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 728 क्यूबिक लीटर ये हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर हो जाएगी क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो लीटर में क्यों है क्योंकि जो क्वांटिटी पूछी गई है वो हम जो टैंक है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई क्यूबिक मीटर हो गई अब उसके बाद से हम क्या करेंगे जैसा कि हमें पता है जो वॉल्यूम का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उसके डायर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो कितना होता है डी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 0.01 इंटू डी प्लस 0.785 इंटू एच डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज क्यू जब उसमें हम वैल्यू फिट करेंगे हमें डी की वैल्यू मिलेगी तो
ये जो हमारी कैपेसिटी अभी आई है 728 किलोमीटर, ये जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी जल्दी दी है ना उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर टैंक क्या होगा हमारा, कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर टैंक ऑफ डेप्थ कैपिटल एच। ठीक, अब हम जैसा कि जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है डी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 0.011 इंटू स्मॉल डी प्लस 0.785 इंटू कैपिटल एच, यह हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डायमीटर को कैलकुलेट करना है। जो हमने डिजाइन क्राइटेरिया बताया था उसमें डिजाइन क्राइटेरिया में हमने फॉर्मूला डिटेंशन टाइम का बताया था आप लोगों को, डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर ब्रैकेट में 0.011 इंटू डी प्लस 0.785 इंटू कैपिटल एच डिवाइडेड बाई क्यू। अब जब हम ये क्यू हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ही तो होता है, वॉल्यूम कह सकते हैं या कैपेसिटी कह सकते हैं। जब इसको हम और भी हमारा क्या होता है डिटेंशन टाइम का, तो हमने शुरू में ही जो हमारा डिटेंशन टाइम 5 आवर्स दिया हुआ है उस 5 आवर्स के अकॉर्डिंग हमने कैपेसिटी कैलकुलेट किया होता है टैंक की। तो जब इसको क्यू को इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पी टू क्यू, यानी कि पी सरल है हमारी क्वान्टिटी कितनी आएगी वो वैल्यू यहाँ पर होगी। तो 5 घंटे के डिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वांटिटी आया था वो कितना है 728 का। ये जो वैल्यू है 728 यही हमारी क्या होगी वॉल्यूम ही तो होगी डिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम जो फार्मूला हमने लिखा है इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर जो हमने लिखा वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और डी की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम हमने कितना कैलकुलेट किया है 728 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू डी स्क्वायर ब्रैकेट में 0.011 इंटू डी प्लस 0.785 इंटू एच। एच हमारा कितना हाइट दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ टैंक हमारा कितना है 3 मीटर है, यहाँ क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा कैपिटल एच की वैल्यू यहाँ हमारे क्वेश्चन में दी है। ठीक है, यहाँ एच की जगह क्या होगा 3 हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ब्रैकेट में 0.011 इंटू डी प्लस इसके जगह मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2.255। जब इसको हम हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे हमें डी की वैल्यू मिलेगी कितनी 17.3। सॉल्विंग नेक्स्ट समय के अंदर सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल हीट एंड we get d equals to 17.3 meter। ये हमारा डायमीटर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा था व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ टैंक। आप देखते हैं हमारा कितना हो गया 17.3 मीटर। ये हमारा इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर टैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इसके पहले हमने रेक्टेंगुलर टैंक के बारे में डिस्कस किया था और ये हमारा हो गया सर्कुलर टैंक।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ और नोटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि इससे थोड़ा चेंजेस होंगे क्वेश्चन। जैसे उस क्वेश्चन में या तो सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, ओवर फ्लो रेट भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, डिटेंशन टाइम भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।